हेलो दोस्तों, टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शाओमी ने अपना रेडमी सीरीज़ का एक और फ़ोन चार्ज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो है रेडमी 4A। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। मैं आज उसका आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बारे में उसके स्पेक्स बताऊंगा और उसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं उसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की। तो दोस्तों, शाओमी के सभी फ़ोन्स की तरह इसमें आपको मेटल बिल्ड देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्लास्टिक बॉडी है उसका फिनिश बिल्कुल मेटल बॉडी की तरह दिया गया है और वो काफ़ी अच्छी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। तो दोस्तों, दूर से देखने पर पता नहीं लगेगा कि ये प्लास्टिक बॉडी है या मेटलिक बॉडी है। साथ में इसमें कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको इसमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है गोल्ड, उसके बाद आपको इसमें पहली बार शाओमी के फ़ोन में रोज गोल्ड भी देखने को मिल रहा है और तीसरा डार्क ग्रे दिया गया है, जो लगभग ब्लैक की तरह ही दिख रहा है। और इसके वेट की बात करें तो इसमें आपको 131.5 ग्राम का वेट दिया गया है और जो थिकनेस है वो 8.5 mm की दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके ओरियो की। तो आपको इसमें फ्रंट की तरफ ईयरपीस, सेंसर्स, कैमरा, डिस्प्ले और नीचे की तरफ 3 टच कैपेसिटिव बटन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बैकलिट नहीं है। पीछे की तरफ आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है विद फ्लैश, और उसके बाद ब्रांडिंग और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। टॉप की तरफ बात करें तो टॉप की तरफ इसमें आपको आयर ब्लास्टर 3.5 mm जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। उसके बाद राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन देखने को मिल जाते हैं। बॉटम में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट और प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको सिंगल सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि एक हाइब्रिड ट्रे है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 5 इंच का IPS LCD HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 296 PPI पर काम करती है, और इसमें आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको एक स्क्रीन गार्ड जरूर लगा के रखना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और 1.4 GHz की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। इसमें आपको चारों कोर्स कॉर्टेक्स A53 के मिलेंगे और ये 64-bit आर्किटेक्चर पर बना है, और इसमें 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया है। इसमें आपको एड्रीनो का 308 GPU देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ यानी कि प्राइमरी कैमरा 13 MP का f/2.2 पर काम करने वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल LED फ्लैश के साथ आता है, और इसमें आपको फुल HD पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का सपोर्ट देखने को मिलता है। और आगे की तरफ यानी कि सेकेंडरी के रूप में आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि f/2.2 पर काम करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड का 6.0 मार्शमेलो इनबिल्ट दिया गया है, साथ में आपको MIUI 8 इस पर दिया गया है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 3120 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर के नॉर्मल चार्जर के साथ आती है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल सिम हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, और ये 4G वोल्टी के सपोर्ट के साथ आता है। हाइब्रिड स्लॉट में आप 2 नैनो सिम या फिर 1 सिम प्लस 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इसमें साथ में ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS और FM रेडियो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको LED नोटिफिकेशन लाइट होम बटन के नीचे देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको Redmi 3S या 3S Prime में देखने को मिलती थी, और साथ में इसमें IR सेंसर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट, कंपास, सारे सेंसर दिए गए हैं। और यही शाओमी की खास बात है, वो अपने सस्ते से सस्ते स्मार्टफोन्स में भी लगभग सारे सेंसर दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम और मेमोरी की। तो इसमें आपको 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, साथ में जो इसमें हाइब्रिड स्लॉट है उसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगाकर इसको 128 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो दोस्तों, शाओमी का रेडमी 4A इसकी प्राइस रखी गई है 5,999 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये, और ये आपको अमेज़न पर 23 तारीख को दिन में 12 बजे से मिलना स्टार्ट होएगा, तो आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप अगर इसे खरीदना चाहे तो वहीं से ही खरीदें। इससे आपकी तरफ से हमारे चैनल को ग्रो करने में कुछ हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, जो शाओमी के रेडमी 4A की चाइना की प्राइस थी, उससे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी प्राइस होती है 5,000 रुपये। शाओमी ने इसे यहाँ पर 1,000 रुपये ज़्यादा में लॉन्च किया है, तो जो अब इसकी वैल्यू है 6,000 रुपये में, इतनी अच्छी नहीं रहती जो अगर 5,000 में लॉन्च करता शाओमी तो रहती। दोस्तों, हालांकि ये अभी भी 6,000 रुपये में, इससे अच्छा कोई भी बेटर फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई 6,000 रुपये में ये फ़ोन लेता है तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि वो इसमें 1,000 रुपये ज़रूर ऐड करके शाओमी के रेडमी 3S को ले लें। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, उसमें आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर जो बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 430, जबकि इसमें आपको 425 प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क ना हो,
लेकिन जो इसकी ग्राफिक्स का GPU है उसमें काफ़ी अच्छा GPU देखने को मिल जाता है, जबकि इसमें Adreno का 308 GPU देखने को मिलता है। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है स्नैपड्रैगन के 430 और 425 में। साथ में उसमें आपको मेटल बिट देखने को मिलने वाली है, तो वो भी इसका एक एडवांटेज है। और जो उसमें चार्जर मिलेगा वो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का मिलेगा, जबकि इसमें आपको 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का चार्जर देखने को मिल रहा है। तो आपको 1000 रुपये ऐड करके काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये फ़ोन अब इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा, अगर ये 5000 रुपये में लॉन्च होता तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन रहता, क्योंकि 1000 रुपये ऐड करके आपको शाओमी का रेडमी 3S मिल रहा है। तो शाओमी पता नहीं इस प्राइस रेंज में काफ़ी ट्रैफिक क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर उसे फ़ोन ज़्यादा ही बेचना था तो उसे 5000 रुपये में लॉन्च करना चाहिए था, जिससे इसकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाती। हालांकि 6000 रुपये में, जैसा कि मैंने बताया, अभी भी कोई भी कंपनी का फ़ोन इस टक्कर में नहीं है। जब भी मुझे कोई फ़ोन सजेस्ट करना होता था बेस्ट बजट स्मार्टफोन, तो सबसे पहला नाम आता था शाओमी के रेडमी 3S का, जो कि 7000 रुपये से शुरू हुआ है। तो अब शाओमी ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन एक दे दिया है कि 6000 रुपये में भी एक अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफोन मिलने वाला है, जिसमें आपको सभी तरह के सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाता है, अच्छा अच्छी स्क्रीन साथ में देखने को मिल जाती है, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से शाओमी के रेडमी 4A का एक ओवरव्यू और ओपिनियन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।